हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सामग्री से तो पता चली गया गाइस, आज हम क्या बनाने वाले हैं। अभी रिसेंटली गाइस, घर के पास में एक रेस्टोरेंट गया था मैं, साउथ इंडियन कैफ़े। वहाँ पे मैंने खाए थे बटर वेज चाउमिन। भाई साहब, क्या टेस्ट था, लाजवाब मज़ा ही आ गया था यार। तो साइड में मैंने भैया को ले जा के ना सीक्रेट रेसिपी पूछ ली उनकी कि भैया कैसे बनाते हो। पहले तो वो बता नहीं रहे थे, बट बोले यार चलो आप हमारे नेबर हो तो हम आपको बता देते हैं। तो वही रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ गाइस। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये नूडल्स अपने बॉईल कर लेने हैं, और मेक श्योर कि कच्चे ना हो, ठीक से बॉईल करना लो फ्लेम पे। और दूसरी साइड हमने कढ़ाई रख ली गाइस, थोड़ा सा इसमें रिफाइंड डालेंगे या ऑयल डालेंगे। फिर हम सारी जो वेजिटेबल्स हैं हमारी, इनको सॉटे कर लेंगे हल्का हल्का। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या वेजिटेबल्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। गाजर है, प्याज है, कैप्सिकम है, ग्रीन चिली है, दैट्स इट। ये सब सब्जियों को हमने ठीक से धो लिया और काट लिया है। असा हूँ वेट करना है ऑयल गर्म होने का। पंजाबी शेफ बना रहा है चाइनीज नूडल्स, तो चेक इट आउट गाइस, क्या टेस्ट आएगा। बटर वेज चाउमिन ये डिश का नाम है गाइस। बचपन की बात है, जब हम छोटे छोटे होते थे ना, तब एक न्यूज़ आई थी कि बंद गोभी, पत्ता गोभी में ना कीड़ा निकला। हमारी मम्मी ने तब से बंद गोभी घर पर मना कर दी कि भैया चाउमिन भी बनाएगा, नूडल्स भी बनाएगा, तो बंद गोभी नहीं आएगी उसमें, नहीं तो मैं नहीं खानी। तो हम बंद गोभी, कैबेज अवॉइड करेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं है गाइस, सब लोग खा रहे हैं, पर हमारी माता को कौन समझाए कि कैबेज अब ठीक आ रही है, कोई कीड़ा नहीं आ रहा उसमें। ऑयल हमारा उबाले मारने लग गया। अब हमने क्या करना है, ये सारी वेजिटेबल्स हमने सॉटे कर लेनी है। तो चलो शुरू करते हैं। सारी वेजिटेबल गाइस हमने थोड़ी थोड़ी ऐड कर लेनी है कढ़ाई में, थोड़ा दूर होके, तेल काफ़ी गर्म है। सबसे मुश्किल काम यही है गाइस, इसको थोड़ा ठीक से करना पड़ता है। सारी वेजिटेबल्स को हमने ठीक से सॉटे कर लेना। इसको सब्जी की तरह हमने पकाना नहीं है, लेकिन से हाफ फ्राई करना है, आधा पक्का आधा कच्चा, तभी टेस्ट आएगा गाइस नूडल्स में। इन्हें मीनवाइल हमारे ये नूडल्स सारे बॉईल हो गए, इसको हम एक छन्नी में निकाल लेंगे ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाए। नूडल्स हमने सारे छन्नी में निकाल लिए, और इसको हम ठंडा होने की वेट करेंगे। तब तक इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हमने इसको सॉटे करना है ठीक से गाइस। आपा हूँ ऐड कर देना है एक चम्मच या दो चम्मच बटर, अमूल बटर स्वाद अनुसार। तो मेक श्योर गाइस ज़्यादा मत डाल देना, क्योंकि और जो सॉस हम डालेंगे ना, उनमें भी नमक होता है और बटर में भी नमक होगा। तो स्वाद अनुसार हम एक दो चम्मच बटर डाल देंगे गाइस। बटर हमने ऐड कर दिया, हम ठीक से मिक्स कर लेंगे, और जो टेस्ट आएगा ना बटर का नूडल्स में, रसमी मज़ा ही आ जाएगा। बटर हमने ऐड कर लिया गाइस, और जैसे जैसे मैं मिक्स कर रहा हूँ ना, और क्या अरोमा आ रहा है, क्या खुशबू आ रही है अमूल बटर की, मैं बता नहीं सकता। कांट इमेजिन गाइस, ट्रस्ट मी। जिस चीज़ में अमूल डाल दूँ ना, बटर चीज़ ही भाई साहब ऑसम बन जाती है गाइस। वेजिटेबल हमारी तैयार हो गई हैं, इस साइड हमारे नूडल्स भी तैयार हो गए हैं। अब हमने सारे छन्नी में से नूडल्स इसमें डाल देने प्यार से। तो हम ठीक से मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल सारी हमने ठीक से ऐड कर लिए। अब हमने क्या करना है, नमक डालना है। सबसे पहले हम नमक डालेंगे गाइस। हमारे घर में सारे नमक ना तेज खाते हैं, तो हमने दो चम्मच भर के नमक डाल देंगे। ये देखो, ठीक है ना, भर के दो चम्मच नमक डाल दिया हमने। अब इसको ठीक से मिक्स कर लेंगे गाइस। नमक हमने ठीक से मिक्स कर लिया, इट्स टाइम टू ऐड जितना भी सोया सॉस है, चिली सॉस है, वो सारी हम डालेंगे। चेक इट आउट गाइस, सबसे पहले हमने सोया सॉस डाल देनी है दो चम्मच। दो चम्मच हमने डाल दिया सोया सॉस गाइस, अपने टेस्ट के हिसाब से हमने डाल देनी है रेड चिली। ये हमारी होगी रेड चिली। फिर हमने डाल देना है विनेगर, चिली विनेगर, बहुत थोड़ा सा।
लास्ट में हम डालेंगे ग्रीन चिली टेस्ट अनुसार। सारी सामग्री हमारी पूरी हो गई है, बस एक टमाटो केचप रह गई है, वो भी हम डाल देंगे गाइस। हमने ऐड कर दिया है टमाटो केचप जस्ट फॉर टेस्ट। तो सब कुछ हमने डाल दिया है, अब हम इसको ठीक से मिक्स करेंगे। इस लास्ट में हम थोड़ा ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे जस्ट फॉर टेस्ट। दैट्स इट। अब सब कुछ हम ठीक से मिक्स कर लेंगे वंस अगेन, फिर हम रेडी टू सर्व है। इसको हम एक बोल में सर्व कर लेंगे। गाइस कंग्रेचुलेशंस, हमारे बटर वेज नूडल्स बनके तैयार हो गए। यू कैन से नूडल्स और चाउमिन, कुछ भी बोल सकते हो आप। इट्स रेडी टू सर्व नाउ। तो गाइस कैसी लगी आपको रेसिपी? डू कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय।